नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 18 जून 2019, और अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूं। जो स्टॉक मैं अपने यूट्यूब चैनल पर देता हूं, जो टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, जो लाइव मार्केट में देता हूँ, उसने कैसा परफॉर्मेंस किया आपके लिए, उन सारे स्टॉक्स का यहाँ पे हम लोग रिव्यू करेंगे एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला था पीआई इंडस्ट्रीज का स्टॉक। तो चलिए, पीआई इंडस्ट्रीज का मैंने यूट्यूब के चैनल पर दिया हुआ था आप लोगों को, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल को इग्नोर कर दें। तो बाय करना था 1182 के ऊपर। स्टॉक ने 1182 के ऊपर, हाँ, इसी कैंडल पे 1182 के ऊपर ये निकला, 84.75 तक गया, लेकिन वहां से ऊपर वो नहीं जा पाया फर्स्ट टारगेट के पास, और आके हमारा बाय का स्टॉप लॉस हिट कर दिया, यानी ये फेल हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ये फेल हो गया। सेल 1160 के नीचे करना था, और इसी में मैंने छोटी क्वांटिटी में मैंने ट्रेड किया था, 70 क्वांटिटी में। बाद में जब मैंने सुपर 10 स्ट्रेटेजी के बाद जब मैंने ट्रेड किया पीआई इंडस्ट्री में, तो उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया। आप लोगों को पीएल भी दिख रहा होगा, तो आपको पीएल एक माइनस में दिख रहा होगा ऊपर साइड में। ओवरऑल जो पीएल, वो एक्चुअली मेरा कॉल एंड पुट का पीएल है, जो मंथली बेसिस पे मैंने मंथली एक्सपायरी के बेस पे लिया हुआ है कुछ कॉल एंड पुट का, तो उसका पीएल दिख रहा है। इंट्राडे का उसमें कोई ट्रेड नहीं था, इंट्राडे का सिर्फ इंडसइंड बैंक में ट्रेड था, टाटा स्टील में, और एक पीआई इंडस्ट्रीज में, जिसमें इंडसइंड बैंक और टाटा स्टील मैंने सुपर 10 स्ट्रेटेजी से लिया है, जो 21 ट्रेडिंग सेशन हम लोग करेंगे, और पीआई इंडस्ट्रीज को मैंने अपने एनालिसिस के बेस पे लिया था। तो उसके उन दोनों में प्रॉफिट हुआ है, पीआई में और इंडसइंड बैंक में, बाकी टाटा स्टील में लॉस हुआ था। बाकी जो ओवरऑल आपको प्रॉफिट और लॉस दिख रहा था ऊपर, वो हमारा कॉल एंड पुट का है मंथली एक्सपायरी के बेस पे, वो मंथ के लास्ट में एक्सपायरी में अपडेट होगा वो। तो ये हो गया हमारा फेल पीआई इंडस्ट्रीज। आप लोग इसमें आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। दूसरा स्टॉक्स मैंने दिया था जुबिलेंट फूड का, तो चलिए जुबिलेंट फूड को भी देख लेते हैं। जुबिलेंट फूड को 1285 के ऊपर बाय करना था, तो 1285 के ऊपर आज स्टॉक गया नहीं, तो हमारा बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। ये पहली कैंडल है, मैं यहाँ से इसको हटा दूं। हाँ, ये पहली कैंडल है, तो 1285 के ऊपर गया नहीं, तो बात खत्म हो गई। सेल करना था 1270 के नीचे, तो 1270 के नीचे आपको कहाँ पर सेलिंग मिला है, जस्ट यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आपने सेकेंड कैंडल पर सेल किया, और पहला टारगेट जो था इस कंडीशन में 1264 का था, जो कि आपको पहला टारगेट यहाँ अचीव हो गया। दूसरा टारगेट आपको 1258 का था, यानी 58 का, जो कि यहाँ अचीव हो गया, और तीसरा टारगेट 1252 का था, जो कि आपको लगभग लगभग यहाँ के आसपास, यानी 53 का लो लगाता है, यानी लगभग तीनों टारगेट में बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सेल साइड के आपके जुबिलेंट फूड में अचीव हो गए, तो ये आपको प्रॉफिट हो गया। जो पीआई इंडस्ट्रीज में आपको लॉस हुआ, उसने जुबिलेंट ने कवर कर दिया। कमिंस इंडिया तीसरा स्टॉक था, हम लोग कमिंस को देख लेते हैं। 750 के ऊपर बाय करना था, तो स्टॉक को 5 मिनट की पहली कैंडल, 750 फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करेंगे, सेकेंड कैंडल पे हमें 750 के ऊपर बाय करना है। देखिए, इसमें आप लोग एक टेक्निकल चीज समझिए, मैं बार बार समझता हूँ, जब मैं कहता हूँ 750 के ऊपर बाय करना है, यानी स्टॉक को नीचे ओपन होना चाहिए और ऊपर की तरफ जाना चाहिए। इस सेकेंड कैंडल ने क्या किया, ऊपर ओपन हुआ और नीचे आया, तो ऐसी कंडीशन में हमें कभी भी एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, चाहे भले ही वो प्राइस 2 बार 752 आपको 2 बार फेस होगा। कब 750 2 बार फेस होगा, कब, एक बार नीचे से ऊपर स्टॉक जाएगा तब 750, एक बार ऊपर से नीचे आएगा तब। लेकिन अगर हमें ऊपर लेना है तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे हमें इग्नोर करना है, वेट करना रहता है उस चीज को। उस कंडीशन में आपको कहाँ पे 750 के पास बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 750 को ब्रेक करता हुआ नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे, ठीक है, इस कंडीशन में आपको यहाँ पे एंट्री होगा। और पहला टारगेट 755, जो कि हालांकि ये फेल हो गया, लेकिन मैंने आपको प्रोसेस बताया कि कैसे ट्रेड करना है, इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सेल करना था 740 के नीचे, तो 740 के नीचे अगर आपको कहीं सेल करना था, तो जस्ट यहाँ पे आपको 740 के नीचे सेल करना था, और स्टॉप लॉस 745 का था, 745 ही है ना, हाँ, 745 का स्टॉप लॉस, और स्टॉक ने हाई जो लगाया 744.80 का, इसके बाद हाई लगाया है, तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। एक टारगेट जो 735 का था वो आपको अचीव हो गया, दूसरा टारगेट 730 का था वो अचीव हो गया, दो टारगेट इसमें कमीशन इंडिया में सेल साइड का। ये था यूट्यूब के 3 स्टार सेक्शन में मैं जो देता हूँ उसका परफॉर्मेंस, यानी पीआई इंडस्ट्रीज में स्टॉप लॉस हिट हुआ, जुबिलेंट फूड में तीनों टारगेट अचीव हुआ, कमीशन इंडिया में सेल का 2 टारगेट अचीव हुआ, बाय का स्टॉप लॉस हिट हो गया। चलिए, अब जो यूट्यूब पे दिया हुआ था मैंने, यूट्यूब को मैं भी चेक कर लेता हूँ, यूट्यूब को मैंने कौन कौन से यूट्यूब सॉरी टेलीग्राम पर जो मैंने दिया हुआ था उसको देख लेते हैं। ब्रिटानिया को 2912 के ऊपर बाय करना था, तो ब्रिटानिया को देख लेते हैं, सिर्फ इसका बाय लेवल ही दिया हुआ था ब्रिटानिया को 2912, ये पहली कैंडल है, 2912 के ऊपर गया ही नहीं, तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, बात खत्म।
हैवल्स को बाय करना था 774 के ऊपर, तो हैवल्स को भी चेक कर लेते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू में, तो 774 के ऊपर बाय करना था। स्टॉक 774 के ऊपर कब गया है? मार्केट बंद होने के टाइम गया, तो हमारा बाय ऑर्डर ऐसे भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। मार्केट 3 बजे के बाद जाता है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। सेल करना था हमें हैवल्स को 768 के नीचे। 768 के नीचे देखिए यहाँ कहीं पे आपको सेल करना था, 768 है ना, ये पहली कैंडल। दूसरी कैंडल ये, यहाँ पे आपको सेल करना था, और पहला कंडीशन में पहला टारगेट था 763 का। स्टॉक ने 763 का एकदम आपको लो लगा के एक टारगेट अचीव करके दे दिया, तो हैवल्स में एक टारगेट अचीव हो गया। उसके अलावा कौन सा स्टॉक दिया था? विप्रो को सेल करना था, विप्रो को बाय करना था 302 के ऊपर, तो विप्रो को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ये पहली कैंडल 302 के ऊपर गया ही नहीं, खत्म बात हो गई। सेल करना था 297 के नीचे, तो 297 के नीचे आपको यहाँ कहीं सेल करना था, और इस कंडीशन में जो पहला टारगेट था दोस्तों वो 294 का होगा, तो स्टॉक ने 296 का लो लगाया, और आपका मैं मान के चलता हूँ स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन आपका ओवरऑल लॉस में ही रहे विप्रो में भी। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस हो गया बेकार। बैंक निफ्टी एक लाइव मार्केट में दिया था, और उसका बैंक निफ्टी से मैंने एग्जिट करवा दिया, शायद उसमें आपको लॉस में निकले होंगे। डिविज लैब को सेल करने दिया था, डिविज लैब गया नहीं, 1533 के नीचे डिविज लैब नहीं गया है ना, तो चेक कर लेते हैं। डिविज लैब जिस वक्त मैंने दिया उसके बाद से ये 1533 के नीचे नहीं गया डिविज लैब, अभी चेक कर लेते हैं टाइमिंग के साथ। मैंने कितने बजे दिया है? 9:57 पे, तो 9:57 कहीं यहाँ है ना, इसी कैंडल के आसपास दिया था, तो 1533 के नीचे। स्टॉक 1533 के नीचे गया ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गया हमारा, इसमें सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। उसके बाद एग्जिट करवा दिया बैंक निफ्टी, जो कि आप शायद लॉस में निकले हैं यहाँ पर से। उसके बाद ICICI बैंक का कॉल, और ये बात, ये इंट्राडे के लिए मैंने नहीं डाला है, ये मंथली एक्सपायरी पर है। ठीक है, ये इंट्राडे के लिए नहीं है, ये मंथली एक्सपायरी, मैंने खुद भी लिया हुआ है। जैसा कि आपको आज के पीएल में दिख रहा होगा, लाइव ट्रेड के पीएल में वहां पे कुछ माइनस में दिख रहा होगा टोटल पीएल, तो वो कॉल एंड पुट का ही एक्सपायरी है वहां पे। ठीक है दोस्तों, इंट्राडे का कोई भी वहां पे प्रॉफिट लॉस नहीं है, इंट्राडे का सिर्फ ICICI इंडस्ट्रीड बैंक में और टाटा स्टील में, PI इंडस्ट्रीज में लिया था, जिसमें कि इंडस्ट्रीड में प्रॉफिट हुआ, PI इंडस्ट्री में प्रॉफिट हुआ, और टाटा स्टील में स्टॉप लॉस हिट हुआ था। ये मंथली एक्सपायरी का है, ये तो इसको हम लोग मंथ में देखेंगे। उसके बाद तो और कोई स्टॉक नहीं दिया था, तो ये था मेरा अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। लगभग ओवरऑल आज एवरेज रहा, हालांकि कमीशन में ये PI में स्टॉप लॉस हिट हो गया, जुबिलियन में प्रॉफिट हुआ, कमीज में प्रॉफिट हुआ, बाकी आपको हैवल्स में प्रॉफिट हुआ, और बाकी एवरेज ओवरऑल रहा। तो ये था स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू। अगर पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।